इबादत के तस्वुर के साथ ही लिबास का तस्वुर भी जहन में उभरता है। आज ही तशरीफ लाएं सफा गार्मेंट्स टोली चौकी चौराहा नजर रिलीफ हॉस्पिटल हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, फाउंडर प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी। आज पाको की तरफ से यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप एंड जूनियर इंटरनेशनल कप खेलने के लिए हर साल की तरह इस साल भी टीम जा रही है और पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पाको ने बे इंतहा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और इंडिया को मेडल हासिल किए। इस बार भी उम्मीद है कि पाको की टीम अमेरिका में जो टेक्सास में ये इवेंट होने जा रहा है वहाँ पर पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी इंडिया की टीम वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और इंडिया के लिए इंशाल्लाह पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस करके बड़ी स्कोर करेगी। और अल्लाह से दुआ है कि ये सब बच्चे जिस तरह मलेशिया में, दुबई में, थाईलैंड में, यूरोप में कामयाबी हासिल किए और ये इवेंट भी इसी तरह कामयाबी हासिल करें। यहाँ से कितने बच्चे जा रहे हैं आपके? दो टीमें जा चुकी हैं ऑलरेडी। 16 मेंबर की टीम लास्ट वीक जा चुकी है और ये सेकंड टीम है जो 8 मेंबर्स की टीम जा रही है। ओके, लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने? अभी ये प्रेजेंटली ये जो आज की टीम है इसमें 3 लड़कियाँ हैं और 5 लड़के हैं और पिछले जो टीम जा चुकी है 16 में से 6 लड़कियाँ थे और 10 लड़के थे। इससे पहले भी ये लड़के गोल्ड मेडल वगैरह? जी हाँ जी हाँ, पिछली बार ये टीम में जो मौजूद है फरीदा सुल्ताना जो इंडिया के लिए -59 kg weight कैटेगरी में इंडिया के लिए जूनियर मेल फीमेल कमेटी में सिल्वर मेडल स्कोर करे थे और सैयदा शाफिया सुल्ताना ब्रॉन्ज मेडल स्कोर करे थे। जी अगले बार इंडिया के लिए जरूर आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, पिछले साल भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए लेकिन पिछले साल जो बच्चे इंडिया के लिए गए थे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहने की वजह से इस बार वो लोग साथ में नहीं है तो वरना इस बार भी कैसा भी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए स्कोर कर देते। नई सरकार आई तेलंगाना की, क्या उनसे भी कुछ कहेंगे आप? तेलंगाना की जो सरकार आई है जिसमें महेश गौड़ साहब जो MLC है वो हमारे कराटे तेलंगाना कराटे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है तो उम्मीद है कि इस बार स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा होगा और आने वाले दिनों में बच्चों के लिए भी कुछ बेहतर मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय सेल्फ सैयदा फरीदा सुल्ताना, थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। लास्ट ईयर आई हैव बीन विजिटेड टू द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप एंड जूनियर इंटरनेशनल कप एंड इन देयर आई वॉन सिल्वर मेडल एज वेल एज इन द रिसेंट मंथ आई वेंट टू दुबई एंड आई वॉन I have been participating in the youth league as well as UAE Open Karate Championship. Now I am going to participate in the same event and surely I'll be getting gold medal for my nation. Thank you. पाको मार्शल आर्ट अकेडमी जो कि पिछले कई सालों से US को जाके आ रही है, टीम को लेकर जाके आ रही है, इफ्तिखार भाई के जेर क़यादत में और शाहनवाज भाई जिसके कोच है, मैं मैनेजर हूँ। इंशाल्लाह ये टाइम भी हमारे बच्चे तकरीबन बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन है, मैं वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल होल्डर हूँ और 6 इवेंट्स खेला उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडल स्कोर करा हमारे इफ्तिखार सर की बदौलत। जो भी हूँ आज उनकी बदौलत हूँ, उन्होंने मेरे को तैयार करे और ये स्टेज पर लाने के लिए पूरा इफ्तिखार सर का हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम सैयद नूरुल हुसैन है, मैं इंटरनेशनल वन टाइम इंटरनेशनल कराटे चैंपियन हूँ और मैं रिसेंटली वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया हैदराबाद में खेला था। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुआ यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप एंड जूनियर इंटरनेशनल कप 2024 खेलने जो है टेक्सास के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इवेंट के लिए सेलेक्ट हुआ, इंशाल्लाह मैं मेरे तेलंगाना टीम के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। मैं रोहित है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं एक ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट हूँ और मैं पहली बार यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं टीम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊँगा। धन्यवाद। पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी पिछले 10 साल से बेहतरीन ट्रेनिंग देता है, जो भी गाइडलाइंस होते हैं वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन अकॉर्डिंग टू दैट जो से वो गाइडलाइंस पे अमल करता है और डिसिप्लिन में नंबर 1 अकेडमी है। तो पिछले 10 साल से जो सो कई इवेंट्स पे, कई टूर्स पे जो है सो डिफरेंट टीम्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैडेट्स, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर्स, मैन एंड वुमेन अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। हमारे मेंटर, हमारे जो है सो टेक्निकल डायरेक्टर पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी
मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बेहतरीन जो है सो सफ़र रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गुलमुली करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो सफा गारमेंट टोली चौकी अपने मौजूद ग्राहकों की खिदमत में पेश करते हैं स्पेशल ऑफर, सफ़ेद कुर्ता पाजामा सिर्फ 750 रुपये में, एम्ब्रॉयडरी कुर्ता पाजामा 850 रुपये, मजीद बेहतरीन क्वालिटी के कुर्ता पाजामा जो आपको मिल सकते हैं 1000 रुपये तक की कीमत में, वो भी हाई क्वालिटी जो न सिर्फ आपको रमजान की इबादत के लिए काम आए बल्कि ईद पर आपकी मर्दाना वजाहत को मजीद बनाए शानदार। कुर्ता पाजामा पठानी और टॉप का भी फ्रेश स्टॉक, बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं, फिर सोचना कैसा। आज ही तशरीफ लाएं सफा गारमेंट्स टोली चौकी चौराहा नज़्द रिलीफ हॉस्पिटल हैदराबाद।